आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको एक्सेल के टाइमिंग चेन गोटों को अनबॉक्स करके दिखाऊंगा। दोस्तों टाइमिंग चेन गोटें मेरे पास जो है ये चाइना की बाइक की जिसकी जो लेंथ है 84L है। ये चाइना की बाइक जिस इंजन में जिसके सिलेंडर पर 78 क्यूबिक सेंटीमीटर लिखा होगा उसको 84 नंबर की टाइमिंग चेन गोटे डलती हैं। दोस्तों गोटे सेम होती हैं, तो एक्सेल की पैकिंग जो है उसकी टाइमिंग चेन की जो पैकिंग होती है वो इस तरह की होती है। दो गोटे होती हैं दोस्तों, गोटे चाहे इंजन का जो सिलेंडर है वो 82 का हो उसका। दोस्तों टाइमिंग चेन की जो गोटे होती हैं वो 72 क्यूबिक सेंटीमीटर के लिए और 78 के लिए सेम होती हैं, सिर्फ लंबाई का फर्क होता है टाइमिंग चेन की। तो मैं आपको टाइमिंग चेन भी ओपन करके चेक करवाता हूँ। दोस्तों ये देखें, ये इस तरह की ये टाइमिंग चेन है एक्सेल की और इसके ऊपर दोस्तों एक्सेल भी लिखा होता है। ये देखें इसके ऊपर एक्सेल लिखा होता है, EXL मीन एक्सेल। तो ये एक्सेल की दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको दोस्तों एक्सेल की ले लें, आप ISH की टाइमिंग गोटे ले लें या फिर आप क्राउन लुफान की ले लें। ये बुश के बगैर होती है, जो कि होंडा एटलस की जो टाइमिंग चेन की गोटे होती हैं, ये गोटे जो बड़ी गोट होती है उसमें बुश लगा होता है। छोटी गोट में तो बुश होता ही है, लगा होता है, ये बुश लगा होता है, लेकिन होंडा एटलस वाले यानी होंडा एटलस की जो गोट होती है बड़ी गोट CD70 की, उसमें बुश वाली होती है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको एक्सेल की टाइमिंग चेन गोटो की अनबॉक्सिंग करके आपको दिखाई और बताया कि एक्सेल की जो टाइमिंग चेन गोटो की जो कारकर्दगी है वो लोकल ब्रांड से काफ़ी बेटर है।